गेंदों पे 10 रन आया है। तो चौथी गेंद बहुत बढ़िया काट और अरे भाई साफ कैच मिस कर दिया यार, क्या भाई। तो हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले बेस्ट ऑफ सुपर ओवर। आज इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका का मैच है और इंडिया का होम ग्राउंड है, सो मैं इंडिया की तरफ से खेलूंगा। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इंडिया बनने का मौका मिला है ना, इसीलिए। और यहाँ पर विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी, मतलब विराट कोहली इंडिया का कप्तान है, फाफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीका का कप्तान है। स्टैंडर्ड पिच है, मीडियम पिच है। यहाँ पर दोनों कप्तान आ चुका है, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी। डुप्लेसी ने टेल बोला है और यहाँ पर गिरा है हेड, मतलब इंडिया जीत गया यार। टॉस में जीत गया तो मैं पहले गेंदबाजी लूँगा, तो यहाँ पर इंडिया टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया की तरफ से स्टार्ट कर रहा है जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद पे लग के विकेट भी मिल गया क्विंटन डीकॉक को। पहली गेंद पे चलता किया जसप्रीत बुमराह ने, यहाँ पर क्या गेंद था भाई, आउटस्विंग था यहाँ पर बहुत बढ़िया। मेरा हिसाब से रिव्यू लेना नहीं चाहिए क्विंटन डीकॉक को। ओ भाई आउटसाइड लगा और ऋषभ पंत ने बढ़िया कैच लिया। यहाँ पर क्विंटन डीकॉक गोल्डन डक करके आउट हो गया। रहा है कप्तान फाफ डुप्लेसी खुद। जसप्रीत बुमराह का दूसरा गेंद, पहली गेंद पे विकेट मिला, दूसरा गेंद यहाँ पर उठा के शॉट मारा है, कैच हो सकता है लेकिन बाउंड्री के बाहर जाके कैच पकड़ रहा है भाई, छक्का यहाँ पर दूसरा गेंद पे। बुमराह का तीसरा गेंद यहाँ पर स्लो आर एज लगा, लेकिन एज लगने के बाद यहाँ पर चौका जाते हुए फील्डर पहुंच नहीं पाया, चौका चला गया। 3 गेंदों पे 10 रन आया है। तो चौथी गेंद बहुत बढ़िया काट और अरे भाई साफ कैच मिस कर दिया यार, क्या भाई, कौन था मालूम नहीं लेकिन कैच मिस कर दिया उन्होंने। और ये रहा 5वीं गेंद, एक भी रन नहीं मिलने वाला है इस गेंद पे। लास्ट गेंद यॉर्कर करने वाला हूँ मैं, सो देखते हैं स्लोअर यॉर्कर। तो देखो बहुत बढ़िया शॉट, उतना अच्छा नहीं है, फील्डर तक पहुँच भी नहीं पाया, सो सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और यार भाई तू कैच क्यों मिस कर दिया यार। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने पहला इनिंग्स पे सिर्फ 11 रन बना पाया एक विकेट के नुकसान पे, और क्विंटन डीकॉक गोल्डन डक करा और जसप्रीत बुमराह ने पहला गेंद पे क्विंटन डीकॉक का विकेट ले लिया। अब इंडिया का बैटिंग है, देखता है इंडिया क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है रोहित शर्मा और शिखर धवन, और गेंदबाजी करेगा काशिक ओडावादा। स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा, पहली गेंद यहाँ पार शॉट, बहुत बढ़िया इनस्विंग हुआ यार, लेट टाइम आया लेकिन इनस्विंग भी बहुत बढ़िया हुआ। इस ओवर का दूसरा गेंद यॉर्कर करने की कोशिश, और रोहित शर्मा यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट खेला, क्या चौका रोक नहीं पाया, चौका मिलता हुआ दूसरा गेंद पे। इस ओवर का तीसरा गेंद बहुत तेज आया भाई, 152 का स्पीड है। 3 गेंदों पे सिर्फ 4 ही रन आया है। तो चौथी गेंद, इस ओवर का शॉट बढ़िया है, गैप पे भी है, शोडान एक मिलेगा, दो की कोशिश नहीं एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 गेंदों पे से 5 रन आया है। अब स्ट्राइक पे शिखर धवन, 2 गेंद बाकी है, छक्का लगाना पड़ेगा एक, तो देखते हैं शिखर धवन क्या कर सकता है। यहाँ पर शॉट बढ़िया लगाने की कोशिश किया था लेकिन लग नहीं पाया, लेट टाइमिंग आया। आखिरी गेंद था इस इनिंग्स का, सो देखते हैं क्या होता है। आखिरी गेंद शॉट बहुत बढ़िया मारा यहाँ पर रोहित शर्मा ने, छक्का जाएगा, बहुत बढ़िया छक्का जाते हुए गेंद। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने पहले इनिंग्स पे 11 रन बनाया था और इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स पे 12 रन बनाया, मतलब इंडिया 1 रन आगे है अब साउथ अफ्रीका के बारी। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग्स पे कितना रन बना पाता है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है क्विंटन डीकॉक और रॉजर हेनरिक्स, और यहाँ पर बॉलिंग करेगा जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर बुमराह का पहली गेंद बैकफुट पे जाके पांच किया क्विंटन डीकॉक, रन नहीं मिलने वाला है। बुमराह का दूसरा गेंद अपस्टंप की बहुत ही बाहर था, काट शॉट खेला लेकिन यहाँ फील्ड मिसफील्ड कर दिया यार, ये तो कोहली था। और यहाँ पर 1 रन मिल गया। तीसरा गेंद इस ओवर का, ओ भाई क्या काटर था भाई, मजा आ गया। फिर से ऑफ कटर कर रहा हूँ, स्लोअर ऑफ कटर करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ऑफ कटर बहुत ही बेहतरीन शॉट, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर नहीं है इसीलिए चौका मिलता हुआ यहाँ पर रजा हेनरिक्स को। 4 गेंदों पे 5 रन बना पाया। तो देखते हैं 5वीं गेंद, बहुत बढ़िया पुल शॉट यहाँ पर, चौका जाएगा ये भी। शॉर्ट पिच थोड़ा सा शॉर्ट था, पुल तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लगाया। 5 गेंदों पे 9 रन बनाया। तो आखिरी गेंद क्रॉस सिम डिलीवरी, और यहाँ पर पैरों पे क्या यार, फाइनल पे कैच होगा क्या, नहीं होगा, छक्का जगह। ओ भाई क्या खेला रजा हेनरिक्स ने, मजा आ गया यार। लास्ट पे तो बहुत मार पड़ा जसप्रीत बुमराह को। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने सेकेंड इनिंग से 15 रन बनाया, मतलब साउथ अफ्रीका 14 रन आगे है, मतलब इंडिया को जीतने के लिए 15 रन चाहिए। सो देखता है इंडिया सेकेंड इनिंग से 15 बना पाता है या नहीं पाता है।
तो चलो इंडिया का सेकंड इनिंग्स देखते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा शिखर धवन आ रहा है, इनके ऊपर पूरा भरोसा है और साउथ अफ्रीका के फैंस चाहेगा काशी को रावादा अच्छे से परफॉर्मेंस कराए। पहली गेंद यहाँ पर गुड लेंथ पे था, बहुत बढ़िया रोहित शर्मा ने शॉट खेला, यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से चौका जाएगा, बहुत ही बेहतरीन चौका। पहली गेंद पे रोहित शर्मा ऑलरेडी चौका मार चुका है, तो दूसरा गेंद यहाँ पर, दूसरा गेंद पे बहुत लंबा शॉट और ये शॉट जाने वाला है सिक्स रन के लिए। फर्स्ट ईयर पे ही गिरा तो, लेकिन सिक्स रन तो मुझे मिलेगा, 109 मीटर का सिक्स। ओ भाई मारो मुझे मारो। दो गेंदों पे 10 रन बना दिया रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है जब तक, तब तक विराट कोहली के पास कोई टेंशन नहीं है। और ये तीसरा गेंद भाई आउटसाइड एज लगा ला, इनसाइड एज लगा मालूम नहीं, लेकिन चौका तो गया भाई, देखते हैं। चलो इनसाइड एज लगने के बाद चौका गया। ओके यहाँ पर कप्तान आ चुका है समझाने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए एक रन चाहिए, अभी भी तीन गेंद बाकी है, तो देखते हैं। यहाँ पर शॉट बहुत ही बढ़िया, ये भी जाएगा चार रन के लिए और इसी के साथ रोहित शर्मा चार गेंदों पे मैच को खत्म कर दिया। टीम इंडिया ने इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम किया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था टीम इंडिया की तरफ से। यहाँ पर टीम इंडिया ने इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम किया और प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है रोहित शर्मा, क्योंकि उन्होंने सेकेंड इनिंग्स पे 18 रन बनाया और पहला इनिंग्स पे 11 रन बनाया, सो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। सो यहाँ पर राउंड 3 खत्म हो चुका है, अब स्टार्ट होगा राउंड 4। राउंड 4 का पहला मैच है वेस्टइंडीज के साथ साउथ अफ्रीका का, तो एक बार स्टैंडिंग देखते हैं। चलो स्टैंडिंग यहाँ पर इंडिया नंबर 4 पे आ चुका है, सारे के सारे टीम ही 3 मैच खेल लिया, बांग्लादेश 3 मैचों में 6 पॉइंट है, उसके बाद न्यूजीलैंड 4 पॉइंट, उसके बाद पाकिस्तान 4 पॉइंट, उसके बाद इंडिया 4 पॉइंट, उसके बाद इंग्लैंड का भी 4 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट में इंडिया इंग्लैंड से आगे है, इसीलिए इंडिया 4 पे आ गया है। सो ठीक है, एक बार स्टैट्स भी देखते हैं क्या कितना रन है। रोहित शर्मा नंबर 1 पे है क्योंकि रोहित शर्मा 3 मैचों में 70 रन बनाया, उसके बाद तमीम इकबाल है 64 बनाया, उसके बाद खुशाल पेरेरा है 53 बनाया। ओके बॉलिंग भी एक बार दिखा देता हूँ, बॉलिंग पहला पे है मुस्ताफिजुर रहमान, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी आ चुका है 4 विकेट के साथ 4 नंबर पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट जो मैच है वो वेस्टइंडीज के साथ साउथ अफ्रीका का होने वाला है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना रोहित शर्मा का इनिंग्स आपको कैसे लगा, और आप मेरा चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल को ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।